पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ख्याति भारत ही नहीं अन्य देशों में भी है, क्योंकि वे सालों तक सांसद रही और अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा को बड़े ही बखूबी ढंग से चलाया। वहीं उनके इस अनुभव का लाभ अब इंदौर नगर निगम भी ले रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने भाजपा के पार्षदों की क्लास लगाई और उन्हें खास टिप्स दिए। देखिए खास रिपोर्ट। सुमित्रा महाजन ने लगाई क्लास, पार्षदों को दिए महाजन ने टिप्स, कई अनुभवों को किया ताई ने साझा, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन पर की चर्चा। आज इंदौर के भाजपा कार्यालय का नजारा कुछ अलग सा ही था, क्योंकि यहां पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपनी क्लास लगाई थी और स्टूडेंट्स बने थे इंदौर नगर निगम के भाजपा पार्षद, जिन्हें ताई ने अपने अनुभव के आधार पर कई खास टिप्स दिए। सुमित्रा महाजन की इस क्लास में स्टूडेंट्स की तरह बैठे पार्षदों ने उनके टिप्स को जीवन में उतारने का संकल्प लिया, जिसको लेकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि आगामी अप्रवासी भारतीय सम्मेलन समेत शहर के विकास को लेकर काफी दिनों से वो पार्षदों से चर्चा करना चाहती थी, वो काम आज पूरा हुआ है। पार्षदों से मिलो, बीच में कुछ कारण से नहीं हो पाया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो मिल लेती हूँ सब पार्षदों से। एक बात तो बधाई देना थी महापौर को कि हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश में इस बात को जोर से कहा कि इंदौर में जो समिट होने वाली है, प्रवासी भारतीयों का होना और भी होना है, तो इंदौर का जो उल्लेख हुआ कि बहुत अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर, आप जरूर आओ, जरूर देखो, देश का प्रधानमंत्री निमंत्रण इस प्रकार से देता है तो बहुत गौरव की बात लगी। तो मैंने कहा आज सबसे मिलूंगी कि कैसे हम सब ठीक काम कर रहे हैं ना, कि वही गौरव हमारा यहाँ आने के बाद आने वाले लोग भी महसूस करें। तो केवल इस प्रकार से बातचीत पार्षदों से, विधायकों से, कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो वो कायम रहना चाहिए और इसलिए हमें और मेहनत करना पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय महापौर जी, स्वयं उन्होंने कई सारी बातें बताई कि इंदौर के दृष्टि से वो जो मेहनत अपने पार्षदों को साथ लेके कर रहे हैं, आज ही शायद कुछ 110 वाहन सफाई के लिए दिए, सब बता रहे। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा समेत तमाम भाजपा पार्षद मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।